ओम परमात्मने नमः। 80वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। तराजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। तो ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। ये बात की ये बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहता है। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है, वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है, वही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं, वही सिर सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है, और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों दख का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। तो सूर्य कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। तो एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली कि भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यमान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए, जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वो भोज वृषणी अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्त को वे अपने आपत तक का दान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से चार मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चढ़ पड़े।
वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वो ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सेनों की तीन छावनियां और तीन ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृषणी वंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के पलंग पर विराजे हुए थे। जो ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजा पास में बांधे। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। तो प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन अर्गजा केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पास पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी कि इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिकमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोक में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर उस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वो ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं। मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वो मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये तीन गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूं। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूं
सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था, उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे। बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आया आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तो तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी पानी हो गया कि कहां गड्ढा है कहां किनारा इसका पता ही नहीं चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा पड़ रही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला तब सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य आश्चर्य पुत्रो, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण में मुक्त होने के लिए सत शिष्यों को इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्यों कि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है? अतः 80वां श्लोक अध्याय यहां समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।